चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग जी जी अब कॉन्सेप्ट का टाइम हो गया है, आप कॉन्सेप्ट बताइएगा फिर बाकी बाकी है, बाकी बाद में लेते हैं परिचय। जी जी थैंक यू जी। जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। वी द पीपल समर संघ में आप सभी का स्वागत है। 5 मई 2021 से हम निरंतर एससी एसटी और ओबीसी के लोग जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हमें जुड़ना है क्योंकि हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है क्योंकि हमें जीतना है, हमें जिंदा रहना है, हमने अपने अस्तित्व को बचाना है। योग अर्थात जोड़, जुड़ना एक सतत प्रक्रिया अभिवृद्धि की, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, असत नियम है, जुड़ने से ही बढ़त हासिल होती है। हमें जुड़ना है साधारण योग की तरह नहीं, एक और एक दो की तरह नहीं, हमें गुणात्मक वृद्धि करनी है, हमें एक और एक 11 की तरह जुड़ना है, 11 और 11 1111 बनना है। हम इसी तर्ज पर जुड़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। दोस्तों आपसे हम आह्वान करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, जो हम संघ निर्माण की प्रक्रिया में है उसमें आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। यह हमारा जोड़ने का ये कार्यक्रम तभी संभव हो पाएगा जब आप सब जुड़ेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे, अपने संबंधियों को जोड़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। दोस्तों ये जोड़ जब तक महिलाएं घर की नहीं जुड़ती हैं हमारा ये कार्य अधूरा रहता है। तो घर की महिलाओं को जोड़ने के लिए हम अधिकतर क्या होता है, जब जूम मीटिंग होती है तो महिलाएं नहीं जुड़ पाती हैं क्योंकि वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। तो आपको कैसे जोड़ें, हम अपनी जो वृद्धि वो कैसे करें, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हर महीने की 10, 20, 30 तारीख को कम से कम 3 दिन तो हमें महिलाएं अवश्य देंगी कि हम उनको भी सुन सकें, उन तक अपनी पहुंच बना सके। इसलिए हम विशेष रूप से इस महिला विशेष का आयोजन करते हैं, इस मीटिंग में विशेष रूप से महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों जब महिलाओं की भागीदारी होती है तो आपने देखा है कि उनकी जो भागीदारी होती है वो कई गुना ज्यादा होती है, वो अपने काम को बहुत समर्पित भाव से करती हैं। महिलाओं जो जब भी महिलाओं को भागीदारी मिली है, उनको भागीदारी या जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इसे हमेशा बखूबी निभाया है। माता रमाबाई हैं, सावित्री बाई फुले हैं, फातिमा शेख हैं, झलकारी बाई, अहिल्या बाई, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने इस बात को मतलब प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है, साबित किया है कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो बढ़ चढ़कर उसमें अपना हिस्सा लेंगी और उसको बखूबी निभाएंगी अपनी उस जिम्मेदारी को। शायद इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा टारगेट भी किया गया है। तमाम तरह के बंधनों में, रीति रिवाजों में उन्हें जकड़ा गया है, उनकी जो शक्ति है उसको कम करने की कोशिश की गई है। उन्हें ये बताया गया है कि उनका दायरा सिर्फ दहलीज तक है, ये बोध कराया गया है, उनकी आवाज को हमेशा दबाया गया है। किंतु जो हमारे महापुरुषों ने सदैव महिला शक्ति का सम्मान किया है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया है। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मैडम? जी जी जी, आ रही है आवाज मैडम, आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है मैडम, बोलिए। ओके थैंक यू सर। किंतु हमारे महापुरुषों ने सदैव महिला शक्ति का सम्मान किया है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया है। अब वी द पीपल समर संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि अब हम महिलाओं के साथ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को बारे में जानेंगे और उन्हें उनकी क्षमताओं का बोध कराएंगे, उनमें जो असीमित क्षमताएं हैं कि वो क्या कर सकती हैं वो खुद भी नहीं जानती हैं, उन्हें अपने आप से परिचय कराने का हम लोगों ने बिल्कुल बीड़ा उठाया है कि हम जो है अब महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान करेंगे। हमें उनके साथ में मिलना है, उन्हें आगे लाना है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण अंग है इस समाज का। हमें अपने महापुरुष और महानायिकाओं की पूजा नहीं करनी है, हमें उनके आगे
फूल माला नहीं चढ़ानी है, धूप या अगरबत्ती भी नहीं जलानी है, लेकिन हमें उनकी जितनी भी भागीदारी है उसको अपने बच्चों को तक पहुंचाना है, उसे अपने समाज तक पहुंचाना और ये बताना है कि अगर हम उन्हें उनका सम्मान करते हैं, उनकी क्षमताओं का आदर करते हैं, तो हमें उनके जो विचारों पर चलना होगा, उनके विचारों को ग्रहण करना होगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से अपने एक स्वस्थ और एक उन्नत समाज का निर्माण करें। तो दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, बच्चों का जो निर्माण होता है, जब भी हम किसी भी महिला से बात करती हैं और जब उसे उनका परिचय लेती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि महिलाओं को लगता है हम कुछ नहीं जानते, हमें जब वो ये बताती हैं कि हम तो घरेलू महिला हैं, तो फिर वो ये कहते हुए लगता है जैसे वो किसी अपराध बोध से या अपने आप को कमतर आंक रही है। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारे समर संघ का ये मानना है कि वो महिलाएं हमारे समाज की असली ताकत है, जो घर की चार दीवारी में बैठकर देश के कर्णधारों का भविष्य गढ़ती हैं, लेकिन चुप रहती हैं और समझती हैं कि वो कुछ नहीं जानती, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। हमें उन तक अपनी पहचान बनानी है, पहुंच बनानी है। जब हमारी महिलाएं सकारात्मक होकर जुड़ेंगी तो ये जोड़ बहुत सशक्त होगा और गुणात्मक वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। आप सभी जुड़े, अपने को कमतर ना आंकें, कृपया आप आए, आप बोलें, बोलना सीखें। आप एक बार नहीं बोलेंगी, दो बार नहीं बोल पाएंगी, लेकिन बोलना सीखेंगी। आप बार बार जब बोलेंगी तो आपको आदत पड़ेगी, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप आगे आए, हमारे साथ में बात करें और एक श्रेष्ठ समाज का, एक श्रेष्ठ समाज की निर्माण में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। आप सब जुड़े जोड़े और जितने भी पुरुष साथी यहाँ हमारे साथ में हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि घर की महिलाओं को साथ में लेकर आए, उन्हें बताएं सारे दिन में कि आप क्या करती हैं, समाज में क्या हो रहा है और इस देश में क्या हो रहा है, हमारे पुरुषों ने क्या किया है, हम उनको कुछ पता ही नहीं है। तो कृपया आप उनकी मदद करें, उनको आगे लाएं और हमारे साथ में जोड़ें, जिससे कि हमारा ये ध्येय जुड़ने जोड़ने का पूरा हो पाए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविदा। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं शरणं।
साधु साधु।